अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस पर दुर्ग के कन्या महाविद्यालय में रेड रिबन क्लब की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के साथ रैली निकालकर जागरूकता का संदेश दिया। दुर्ग के शासकीय डॉक्टर पाटनकर कन्या महाविद्यालय में रेड रिबन क्लब के तत्वाधान में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर गुरुवार को कॉलेज की छात्राओं द्वारा रैली निकालकर व नुक्कड़ नाटक कर लोगों को एड्स के प्रति जागरूक व सजग रहने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुशील चंद तिवारी ने कहा कि इस भयावह रोग की रोकथाम हेतु प्रयास आवश्यक है, जिसके लिए महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से न सिर्फ महाविद्यालय में बल्कि आसपास भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साथ ही पोस्टर, निबंध, भाषण, नुक्कड़ नाटक, रैली, वॉल राइटिंग द्वारा यह अभियान किया जाता है। अपने उत्कृष्ट कार्य हेतु हमारे महाविद्यालय के रेड रिबन क्लब को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। महाविद्यालय में HIV एड्स से संबंधित जानकारी है तो प्रदत्त टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर एवं काउंसलिंग की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसका लाभ छात्राएं ले सकती हैं। डॉक्टर रेशमा लाकेश ने जानकारी दी कि रोकथाम ही इस रोग से बचाव है, जिसके लिए जागरूकता आवश्यक है एवं इस जागरूकता अभियान में युवाओं की भागीदारी अहम भूमिका रखती है। साथ ही इस रोग से संबंधित मिथ्यों और सही जानकारी का अभाव भी इसको बढ़ावा दे रहा है। इस संबंध में कॉलेज के प्राचार्य व नोडल अधिकारी ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। आज एड्स इंटरनेशनल एड्स डे है और हर साल भी हम मनाते हैं, वर्ष भर भी मनाते हैं, और इस बार विशेष इसलिए मैं मानती हूँ कि आपने देखा कि गर्ल्स कितनी ज़्यादा अपने खुद उन्होंने इनिशिएटिव लेके सारी चीज़ें की हैं, और एड्स जैसे विषय पे एक नुक्कड़ नाटक करना, रैली निकालना और नारे लगाना, ये चेंज ऑफ माइंडसेट दिखा रहा है कि युवाओं में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। इसके अलावा जब मैं इनसे बात करती हूँ कि आप अपने लाइफ पार्टनर की जब सिलेक्शन करेंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, तो एक बात बच्चों ने कही कि हम उनका HIV टेस्ट ज़रूर करवाएंगे, तो कुंडली मिलन के साथ साथ रक्त जाँच के साथ साथ HIV टेस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर बच्चों में ख़ासतौर पर, क्योंकि ये युवाओं की बीमारी है और युवाओं को ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, उनको ही जागरूक होकर कार्य करना पड़ेगा, तभी हम वो सपना साकार कर सकते हैं जो कि हमारा एड्स मुक्त भारत का सपना हमने देखा है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि हमारी छात्राओं ने वर्षों से इस पे काम कर रही हैं और हमारा महाविद्यालय इस विषय पे राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त कर चुका है कि हमारे यहाँ के छात्राएं इतने जागरूक हैं और जागरूकता का कार्यक्रम भी वो लोग कर रहे हैं। तो दिस इज़ समथिंग लाइक आई फील वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड। विश्व एड्स दिवस हर वर्ष हम लोग 1 दिसंबर को मनाते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य एड्स की जागरूकता, HIV एड्स इसके संबंध में जागरूकता फैलाना है, समाज के साथ भी और हमारे विद्यार्थियों के साथ भी, कि जो एड्स बीमारी है, जो भयावह बीमारी का रूप ले चुकी है और इससे बचाव ही इसका उपचार है मुख्यतः। और रैली के माध्यम से, रंगोली के माध्यम से, निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से, और आज हमने बच्चों ने हमारे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी इस पर जागरूकता अभियान चलाया है, और निश्चित रूप से विद्यार्थियों के द्वारा जागरूकता संदेश फैलाना इसका बहुत व्यापक असर पड़ता है, और रैली के माध्यम से, नारे के नारों के माध्यम से ये इस दिवस को हम लोग मनाते हैं। बस ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।